हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर से इंट्रो वीडियो कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम काइन मास्टर पे आते हैं। वहाँ पे आपको आने के बाद सबसे पहले प्लस आइकन बटन वो दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस करना है। वहाँ पे प्रेस करते ही यहाँ पे एक रेशियो आएगा जो हम चूज करना है 16:9 का। फिर यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं तो उसमें आता है बैकग्राउंड, फिर इसे ब्लैक कलर हम चूज करते हैं। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, हम चूज करते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद हम लेयर बटन पे आते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल करके कुछ टाइमर इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे सेट करते हैं और लेयर बटन पे दबाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम टेक्स्ट को चूज करते हैं। टेक्स्ट पे जाने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आई लव यू, मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। फिर मैं ओके करके सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ और इसके थोड़ा स्क्रॉल करके मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसका फ्रंट चेंज कर लेते हैं हम। आप कोई भी फ्रंट चूज कर सकते हैं, हम बोल्ट चूज कर रहे हैं। बोल्ट को चूज कर लिए हैं। उसके बाद आप एनिमेशन में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद स्वीप राइट पे आपको जाना है। स्वीप राइट आप देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं यह किस तरह से काम करता है। फिर इसका टाइमर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। टाइमर बढ़ाने के बाद फिर हम लेयर बटन पे जाते हैं। लेयर बटन पे इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट के आने के बाद यहाँ पे कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं, हम वेव चूज करते हैं। वेव को सिलेक्ट करके हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हम इसका जो स्क्रॉल है वो हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। नैरो करने के बाद हम इसे साइड पे ले आते हैं एक अल्फाबेट पे। अल्फाबेट पे आने के बाद हम की पे प्रेस करते हैं। की पे प्रेस जैसे प्रेस कीजिएगा आपका एक साइड में प्लस माइनस का ये आ जाएगा एक तरह से। यहाँ पे इसको प्लस को दबाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे स्लाइड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करते जाना है आपको। ये हो गया, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपको स्लाइड करते जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस आइकन जैसे ही आता है उसे दबा के हमें वो आहिस्ते से वो आपको अल्फाबेट की ओर बढ़ाते जाना है ताकि ये वाटरमार्क की तरह दिखाई पड़े आपको। ऐसे हम सेट करते हैं फिर से, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इसके बाद फिर से प्लस करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते इसे हम बढ़ाते जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाने से क्या होगा कि इसे एकदम लहर की तरह एकदम अचानक से आपको नहीं बढ़ाना है, आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ाते जाना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह से ये सेट करते हैं। हर अल्फाबेट के आहिस्ते आहिस्ते इसको बढ़ाते जाना है और बढ़ाने के बाद स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल जो है उसको भी आगे स्लाइड करते जाना है। इससे मेरा वीडियो वाटर मेकर बन जाएगा पूरी तरह से। ये हमारा आहिस्ते कंप्लीट हो जा रहा है। ये हो गया हमारा।
उसके बाद फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें म्यूजिक भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर बटन पे जाना और मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको ये वीडियो लाइट वाली वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ये काम कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइट पे आपको सेट कर देना है। लाइटिंग पे आके फिर हम आहिस्ते आहिस्ते स्क्रॉल करते आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये लाइट वाली वीडियो हमें हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से आप ये वीडियो को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।